हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू। एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंजू की बगिया में। फ्रेंड्स, हमारे गार्डन में इस समय जुलाई में कुछ खिलते हुए फ्लावर जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, आज हम आपसे शेयर करेंगे कि हमारे गार्डन में जुलाई में कौन से फूल खिल रहे हैं और उनकी कितनी ग्रोथ हो रही है। कुछ प्लांट्स हैं जो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं देखने में, उनके फ्लावर भी आए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला प्लांट हिबिस्कस का है। इसमें देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये देसी हिबिस्कस है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है और बड़े ही सुंदर फ्लावर आ रहे हैं रेड कलर के, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसी के बगल में हमारी ये डबल चांदनी है, इसकी भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है और इसमें सफ़ेद फूल आते हैं। बहुत ही सेंटेड फ्लावर होता है ये। साइड में सावनी है, इसके फूलों का रंग आप देख सकते हैं, इसके फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। सावनी हमारे गार्डन में 3-4 जगह फ्लावरिंग कर रही है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस जुलाई में मैं अपने बगीचे में खिलने वाले फ्लावर आपसे शेयर करूंगी, तो आज मैं शेयर कर रही हूं। चलिए और देखते हैं। इधर कुछ गिलहरियाँ हैं जिनमें बहुत ही खूबसूरत फ्लावर आ रहे हैं। ये हमारे गार्डन में बहुत अच्छी तरह से ब्लूम हो रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये गिलहरियाँ के फूल। बगल में वाइट हिबिस्कस, इसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है और फ्लावरिंग आ रहे हैं। मिनी एक्सोरा जो पिंक कलर का है। इधर ये वाइट मुसंडा, देखिए इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, देखिए इसमें और भी बड़ आए हुए हैं, जब ये फ्लावरिंग करेंगे तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा वाइट मुसंडा। और ये पिंक मुसंडा है, इसके फूल बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत। ये भी हमारे गार्डन में इसमें ब्लूम कर रहे हैं। कुछ गोमफ्रीना है, गोमफ्रीना भी हमारे गार्डन में बहुत अच्छी तरह से ब्लूम कर रहे हैं। इनके लट्टू जैसे फ्लावर काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, देखिए कितने रफली रफली होते हैं ये। मैंने इनको सीडों से तैयार किया था और ये पूरी गर्मी हमारे बगीचे में ब्लूम कर रहे हैं। गोमफ्रीना आप भी इसको अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए, काफ़ी प्यारे फ्लावर होते हैं। कुछ जीनियाँ भी हमारे गार्डन में अभी ब्लूम कर रहे हैं, इनका कलर कितना प्यारा है, पेटल काफ़ी खूबसूरत पेटल में है। ये डबल पेटल है, इसकी ग्रोथ अभी बहुत अच्छी हो रही है, इसमें बड़ आ रही हैं। ये हमारे कुछ जीनिया के प्लांट हैं, इनमें और कलर है, ये देखिए पिंक कलर है, अभी इनमें फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ही खूबसूरती से ये ब्लूम कर रहे हैं। पीच कलर, और इधर कुछ ग्लाडिया हैं येलो कलर के, कुछ कॉस्मोस, जीनिया, रेड जीनिया, इनमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इधर रेन लिली है जो वाइट कलर की है, इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, इसके फूल काफ़ी खूबसूरत लगते हैं वाइट रेन लिली। कुछ वाइट सदाबहार हैं जो देसी हैं। इधर कुछ येलो एलमंडा है, देखिए उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं इनके फ्लावर आप देख सकते हैं। ये मेरा अलमंडा प्लांट काफ़ी फ्लावरिंग कर रहा है, देखकर इसको मन बहुत खुश हो जाता है। फ्रेंड्स, इसमें बंच में फ्लावरिंग हो रही है।
इसमें ढेरों कलियां और ढेरों बर्ड आई हुई है। देखिए कुछ सूरजमुखी भी अभी हमारे गार्डन में ब्लूम कर रहे हैं, सनफ्लावर। ये भी काफ़ी खूबसूरती से ब्लूमिंग हो रही है इनकी और ये बड़े प्यारे लग रहे हैं। इधर फिर से कुछ हमारे ग्राडिया के फ्लावर हैं, देखिए ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, मानो कोई गुलदस्ता हो। देखिए इसके रेड फ्लावर काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और ये हमारा सावनी प्लांट है जो पिंक कलर का है, देखिए मैंने इसको पॉट में लगाया हुआ है और इसमें काफ़ी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। इसने एक छोटे से ट्री का शेप लिया हुआ है, ये सावनी प्लांट है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। सावनी हमारे पास दो कलर की है जो मैंने तीन चार जगह लगाए हुए हैं। देसी रोज़ इनमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और काफ़ी बर्ड आ रही हैं। फिर से कुछ ग्लाडियाँ हैं, आप इनके फूलों को देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं ये ग्लाडिया के फूल। वाइट हिबिस्कस कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये भी हमारे गार्डन में इस समय ब्लूम कर रहे हैं और इनमें काफ़ी फूल आए हैं, काफ़ी कलियाँ हैं, काफ़ी फ्लावर हैं जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। वाइट हिबिस्कस, कुछ डैंथस भी हमारे यहाँ अभी ब्लूमिंग में हैं, देखिए उनमें फ्लावर आ रहे हैं, मैंने इनको मिट्टी के पॉट में लगाया हुआ है। रेड कनेर, इसमें फ्लावरिंग आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरती से ब्लूम कर रहे हैं जो रेड कलर के हैं। कनेर को आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइएगा। देखिए जुलाई में इनकी कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है और इनमें फ्लावरिंग हो रही है। साइड में मैरीगोल्ड, बारिश की वजह से इसके फूल थोड़े से मुरझाए जैसे हैं पर इनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है, ढेरों कलियां, ढेरों फ्लावर आए हुए हैं इसमें। यहाँ फिर से हमारा ग्लाडिया, एक्जोरा में अभी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, एक बार ये फ्लावरिंग होकर के जा चुका है, दूसरी बार इसमें कलियां आई हुई हैं और कुछ फ्लावर जो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। ये रेड कलर का है एक्जोरा। देसी रोज़, इसमें भी बहुत फ्लावरिंग हो रही है, बारिश के कारण इसके फूल कुछ झड़ गए हैं, वैसे भी देसी रोज़ के फूल ज़्यादा दिन नहीं रहते। ये हमारी सावनी, इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत है, इसके गुच्छे ढेर सारे आए हुए हैं जो फ्लावरिंग कर रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये हमारा सावनी प्लांट जो इस समय फ्लावरिंग पे है। यहाँ पर रजनीगंधा है, इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, इसमें देखिए एक बहुत बड़ी स्टॉक आई हुई है और उसमें काफ़ी बर्ड है, अब ये फ्लावरिंग के लिए रेडी है। और एक ये जो फ्लावरिंग हो रही है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कुछ फ्लावर इसके खिलकर ख़त्म हो गए हैं, कुछ अभी खिल रहे हैं और कुछ खिलने वाले हैं। तो ये हमारे रजनीगंधा हैं। ये हैं चंपा, प्लूमेरिया, इसकी भी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई और हमारे गार्डन में ये काफ़ी दिनों से खिल रहे हैं, पूरी गर्मी इनमें फ्लावरिंग हुई है, देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। तो आप चंपा को भी अपने गार्डन में ऐड करें और इसके सुंदर सुंदर फूलों से आनंद उठाइए। नीचे है बटन रोज़, इसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, काफ़ी इसमें छोटे छोटे रोज़ आए हुए हैं और बटन रोज़ पे हम जल्दी ही एक वीडियो बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये हैं बटन रोज़। इधर हमारी फिर से एक सावनी, इसके भी फ्लावर बहुत अच्छे लग रहे हैं,
काफ़ी गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है, आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ हमारा एक और देसी हिबिस्कस, इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी है। 4 o'clock, देखिए येलो कलर के 4 o'clock हैं जो अभी खिले हुए हैं। मैरीगोल्ड, इनमें काफ़ी फ्लावर आए और ये प्लांट हमारा पूरे साल चला है। देखिए इसमें काफ़ी फ्लावर आ रहे हैं और मैंने इसको सेव करके रखा हुआ है कि मैं इसकी कटिंग लगाऊंगी और जब कटिंग लगाऊंगी तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स ये हमारा मैरीगोल्ड है, बगल में अपराजिता है जिसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये एक पिलर के सहारे ऊपर गई हुई है, मैंने पिलर से बांधा हुआ है और देखिए इसमें फ्लावर कितने अच्छे आ रहे हैं, काफ़ी फ्लावरिंग हो रही है। ये अपराजिता के फूल हैं। इधर है डबल चांदनी, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, काफ़ी बंच में इसके फ्लावर आ रहे हैं और बड आ रही हैं, गुच्छों में इसके बड आ रहे हैं और फ्लावरिंग तो देखिए, ये एक बार खिलकर समाप्त हो चुकी है, दोबारा ये फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये हमारा डबल चांदनी और यहाँ बोगनवेला जो फ्लावरिंग के लिए रेडी है, इसमें फ्लावर आने स्टार्ट हो रहे हैं। ये हमारी बोगनवेला, यूफोर्बिया मिली, इसके फ्लावर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये हमारा एक और हिबिस्कस जो डबल पेटल का है, बहुत सारे बर्ड इसमें आए हुए हैं पर आज धूप नहीं निकली इसलिए से ये फ्लावरिंग नहीं हुए, इसके फूल ऐसे ही रह गए। ये बहुत ही खूबसूरती से ब्लूम करते हैं, सेम टू सेम देखने में गुलाब की तरह लगते हैं। इसका एक फ्लावर बाहर की तरफ है, देखिए इसमें ऐसी फ्लावरिंग होती है। ये हमारा मिनिएचर हिबिस्कस जो अब बंद हो रहे हैं शाम के समय, देखिए आज इसमें काफ़ी फ्लावरिंग हुई थी और ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं मिनिएचर हिबिस्कस। ये फिर से हमारे मैरीगोल्ड काफ़ी खूबसूरती से ब्लूम कर रहे हैं और काफ़ी सेंटेड है, देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। हम इसको कटिंग लगाने के लिए हमने इसको सेव करके रखा है। इधर हमारे हिबिस्कस हाइब्रिड जो काफ़ी बड़े बड़े फ्लावर आते हैं पर अभी ये खिले नहीं हैं। ये हमारे फिर से देसी हिबिस्कस जिनमें अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो फ्रेंड्स ये हमारी छोटी सी वीडियो थी जो जुलाई महीने में खिलने वाले कुछ फ्लावर हमारे गार्डन में खिल रहे हैं हमने आपसे शेयर किया है। ये छोटी सी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।